तो जिनको सत्संग के द्वारा गुरु प्रसादी हजम हुई है उनका चित्त अनासक्त हो जाता है। वो उनमें दुख आता दिखता है, सुख आता दिखता है, लेकिन वे उसमें मिलते नहीं, दुख सुख में डूबते नहीं। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, इस अज्ञान जनित बातों में वे घुल मिल नहीं जाते। ऐसे पुरुष अनासक्त हो जाते, उनको गुरु प्रसाद की प्राप्ति हो गई। और गुरु प्रसाद की प्राप्ति होने वाले को जैसे मोर का पंख हवा में हिलता है, ऐसे प्रारब्ध वेग से उसका कार्य कलाप सब होता है। सामान्य आदमी, मैं ये करूं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊं, लेकिन वो महापुरुष का प्यारा सत शिष्य अपने घर में ही खुदाई है तो बाहर सिजदा कौन करे, अपने आत्मा को जान लेता है। गुरु प्रसाद से, जप से, सत्संग से, सेवा से वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उसको परम पद की दूरी नहीं लगती। वास्तव में वो परम पद ऐसी कोई क्षण नहीं जो हमारे साथ न हो। अपना आत्मा तो सदा ही रहता है, ऐसे एक सेकंड नहीं है कि हम आत्मा परमात्मा से अलग हो जाए, एक सेकंड भी नहीं। मिनट की तो बात, घंटों की, दिनों की बात दूर रही, एक सेकंड। यह है कि नहीं, वह है कि नहीं, ये तो सोच सकते हैं, मैं हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। मैं से यह दिखेगा, मैं से वह दिखेगा, तो मैं का असली स्वरूप गुरु कृपा से जो जान लेता है, फिर वो अनासक्त पुरुष हो जाता है। तस्य तुलना के न जायते, उस मनुष्य देह में दिखने वाले चलते फिरते ब्रह्म को किससे तोलोगे। रागे रागवताम, रागियों में रागी जैसा दिखेगा, विद्वानों में विद्वान जैसा दिखेगा, कर्मियों में कर्म जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर से उस आत्मपद में जो कत्यो रहे। कबीर जी को अनुभव हुआ था आत्म साक्षात्कार। कबीर जी ने कहा, उठत बैठत ओई उठाने, उठते बैठते हम अपने आत्मा में, परमेश्वर में, उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो ऐसे महापुरुष को शरीर से देखना, तुलना अथवा उसके प्रति कुछ भी दोषारोपण करना, अपना पुण्य नाश हो जाता है, शांति भी भंग हो जाती है, बुद्धि भी नाश हो जाती है। और जो ऐसे महापुरुषों के प्रति आदर बुद्धि करता है, उनकी साधना भी बढ़ जाती है, सेवा भी बढ़ जाती है, प्रीति भी बढ़ जाती है, भक्ति भी बढ़ जाती है, और मति ऐसी ऊंची बढ़ जाती है कि बिना पढ़े लिखे शास्त्र और शास्त्रों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। जैसे हम गुरु जी को देखते थे एकटक, प्रीतिपूर्वक गुरु जी की वाणी सुनते तो आत्मसात करते, गुरु जी के प्रति 19-20 किसी के बात में देखा तो उसका मुंह नहीं देखते हम, तो फिर हमको शास्त्र पढ़ने जाना नहीं पड़ा, लंबी चौड़ी साधना नहीं करनी पड़ी। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। खूब शास्त्र पढ़े, खूब नियम व्रत करे, लेकिन गुरु से गद्दारी करे तो उसकी मति मारी जाएगी। सर्व कर्म विफल आस्यात, उसके सारे कर्म विफल हो जाएंगे। अशबरी भीलन वफादारी से सेवा करती थी, उसके सारे कर्म सफल हो गए।
भगवान की जहाँ महत्ता है, भगवान का जहाँ ज्ञान है, भगवान की जहाँ शांति, भगवत प्रीति, ऐसा संतों का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता। एक तो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म मिलना कठिन, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और उसमें भी महापुरुष का संपर्क अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलना, फिर उसमें श्रद्धालु होना, और श्रद्धालु होकर भी वैदिक ज्ञान, गीता, भागवत, रामायण, योग वशिष्ठ, ऐसे वैदिक ज्ञान में श्रद्धालु होना ही और ऊंची बात है। और फिर वैदिक ज्ञान में परम पद को पाया हुआ महापुरुष का दर्शन होना और ऊंची बात है, और उस महापुरुष को गुरु रूप में पा लेना और ऊंची बात है, और उस गुरु रूप में पाकर अश्रद्धालु के अथवा निंदक के चक्कर में ना आना, ये परम ऊंची बात है। और वो मेरे को भगवान की दया से प्राप्त हुई, मेरा काम बन गया। जिसने मेरे को पूरी हलवा खिलाया, बड़ा आदर किया, लेकिन गुरुजी के प्रति जरा सा चेहरे पर शिकन देखी, मैंने तो उसका मुंह नहीं देखा। अगर मैं उसका मुंह देखता, उसकी बातें सुनता, तो मैं अभी यहाँ नहीं होता, कोई और तपस्या वपस्या में झंझट में पड़ा होता। अभी भगवान नहीं मिलते, भगवान में और हमारे में खूब दूरी रहती। जिसने अपने गुरुदेव में भगवान नहीं देखा, तो दुनिया में भगवान क्या देखेगा, अपने में भगवान क्या देखेगा। लोग बोलने को तो बोल देते, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुवेनु, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप गुरु में ब्रह्म भाव स्थित हो जाए, ब्रह्म बुद्धि स्थित हो जाए, तो फिर गुरु के हृदय में अपना ब्रह्म अनुभव अच्छा लगता है। अब वो तो कैसे अच्छा लगता और कैसे होता है, ये बात करने में फिर हम फिर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। गुरु के साथ जो श्रद्धा भक्ति वाला शिष्य साधक का बातचीत और संवाद होता है, वो याद करो तो मजा आता है। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, और लीलाशाह बापू जी के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है। तो पहुंचे हुए महापुरुष की पहचान है कि उनके चरणों में श्रद्धा रख के बैठो तो शांति आनंद आए, ये बहुत ऊंची चीज है, ये बहुत ऊंचा प्रसाद है। उनको देखते देखते मन शांत होने लगे, उनकी बातें सुनकर, उनका विनोद भी अच्छा, उनकी डांट में भी बड़ा करुणा करता। ऐसे संतों का सानिध्य तो आहा, अमोघस्य दुर्लभ है, अमोघस्य। संत महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ भी है, अमोघ है, अकाट्य फायदा है। जो अल्प बातों में, अल्प चीजों में सतबुद्धि करके रुक जाते, वो अल्प आत्मा होते। जो विकारों में रुक जाते तुच्छता में, वो तुच्छ आत्मा हो जाते। जो द्वेष में रुक जाते द्वेष आत्मा हो जाते। लेकिन जो महान तत्व में रमते हैं, फिर रास्ते में चाहे गरीबी अमीरी, सुविधा असुविधा, यश अपयश, चलते जाते हो महात्मा। चलते पैरों से नहीं चलते, भाव से अपने आप में ब्रह्म में रहते, किसी परिस्थिति में नहीं रुकते। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। ओए कबीरा मन निर्मल भयो, संदेह रहित तो मन निर्मल हो गया, अपने आत्मा में स्थिति हो गई, संदेह रहित हो गए। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर।
नारायण 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 नारायण। मनुष्य को जीवन काल में भगवत स्वभाव का ज्ञान पा लेना चाहिए। भगवान कौन है, कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं, क्या उनकी लीला है, क्या उनकी महिमा है। अगर भगवान का ज्ञान नहीं होगा, भगवान के गुणगान नहीं होंगे, तो शत्रु का चिंतन होगा तो द्वेष पैदा होगा, मित्र का चिंतन होगा तो राग पैदा होगा, काम का चिंतन होगा तो काम पैदा होगा, लोभ का चिंतन होगा तो लोभ पैदा होगा, मारे जाएंगे। भगवान के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा।